स्पेशल ट्रेन में 1338 यूपी के प्रवासियों को भेजा उनके घर। ट्रेन में प्रशासन ने भोजन में पानी भी करवाया उपलब्ध। लॉकडाउन के कारण अजमेर सहित आसपास के जिलों में फंसे प्रवासियों को लेकर एक विशेष श्रमिक ट्रेन वाराणसी के लिए रवाना की गई, जिसमें 1338 यात्रियों को उनके घर भेजा गया। जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रवासियों के किराए के साथ भोजन पानी की व्यवस्था भी की गई। वहीं रवानगी के समय जिला कलेक्टर और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने ताली बजाकर सभी को रवाना किया, जहां सभी प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनका रजिस्ट्रेशन करवा कर उन्हें अपने घर भिजवाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि जो बाहर से अजमेर जिले में आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही अगर किसी में कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनकी कोरोना जांच करवाई जाएगी और उन्हें अस्पताल में क्वारंटाइन किया जाएगा। आज अजमेर से वाराणसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसमें यूपी के 1338 पैसेंजर्स इसमें गए हैं, और हमारा ये प्रयास है कि ऐसे जितने भी फंसे हुए मजदूर हैं जो यहाँ पे लॉकडाउन के चलते अटक गए थे, उनको हम स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिना किसी परेशानी के उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाए। और जैसा कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी को खाने की पैकेट्स, उनके लिए पीने का पानी और मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराइए, और कल तक ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि अपने अजमेर में कोई भी ऐसा मजदूर फंसा हुआ नहीं रहे जिसे किसी तरह की परेशानी अपने घर जाने में महसूस हो। अभी भी और भी श्रमिक हैं मजदूर फंसे हुए? अभी भी जो मजदूर हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनकी सूची बना रहे हैं, और यूपी गवर्नमेंट ने अपनी एक व्यवस्था कर दी है, एक तो वहाँ से हम उनको बसों के माध्यम से भेज सकते हैं। बाकी और भी कोई अगर इस तरह से स्टैंडर्ड मजदूर मिलेगा तो उसे हम भेजने की कार्रवाई करेंगे। और सर, जो बाहर से आ रहे हैं अपने शहर अजमेर में, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था? जो बाहर से आ रहे हैं उनका हम कोविड अलर्ट सिस्टम है उस पर हम रजिस्टर करके फॉर्म 4 उनका भरवा रहे हैं, और पूरी टीम लगी हुई है। ग्राम पंचायत स्तर पे एक कोर टीम बनी हुई है, और उसके साथ साथ वार्ड स्तर पे ही, जिसमें वार्ड पंच और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन सभी को जोड़ करके, टीचर को जोड़ करके एक टीम बनाई है। कल मैं भी गया था एक किशनगढ़ में, एक विलेज है डीडवाना, जहाँ पे मैंने जाकर देखा जो होम क्वारंटीन में लोग हैं उनके साथ कैसा है। तो इस तरह की व्यवस्था पूरे डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है कि गांव में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको एसेंशियली होम क्वारंटीन किया जाए, और उनमें से कोई भी जिसके लक्षण दिख रहे हैं उनको हम तुरंत पॉजिटिव या निगेटिव का टेस्ट करा के फिर उनकी ट्रीटमेंट करा सकें।